आज आपको मालूम है, दो दिन से हमने तमाम लैंड रूट के जो बॉर्डर हैं वो बंद किए हुए, खासकर क्वेटा एनएलसी, तफ्तान और चमन। उसकी वजूहत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, क्योंकि यहाँ पे हमारे ताजरों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है, यही गुड्स हमारा यहाँ के कस्टम से क्लियर हो के बाहर निकलते हैं तो कस्टम इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बलूचिस्तान, इसमें कोई डायरेक्टर वो निकल के गाड़ियों को रोक के कभी डिटेन कर रहा है, कभी केसेस बना रहा है, और रिकवरी के नाम से चार चार साल तीन तीन साल के क्या वो बना के उसमें ऐसे केसेस लोगों के ऊपर, मतलब पिस्ता एक आइटम है, पिस्ता अभी निकला है 2018 में, वो इंपोर्ट हुई है, उस बंदे ने वो जाके बाज़ार में बेची है, और वो 2018 से लेके 2021 का केसेस निकाल के कि आप इसकी रिकवरी दे दें। मुझे आप बता दें, एक आइटम एक गुड्स जब निकलता है वहाँ कस्टम उसको क्लियर करता है, ड्यूटी टैक्सेस पे करते हैं लोग, उसके बाद वो बाज़ार में मार्केट में सेल हो जाता है। वो तो बंदा अपने गोदाम में तो नहीं रखता है कि तीन साल चार साल बाद आप उससे टैक्सेस और इसके मद में ब्लैकमेलिंग करके, लोगों को ब्लैकमेल करके आप केसेस बना रहे हैं। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हमने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की कॉल दी है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हम तमाम ताजर और बाकी जो है बार कौंसल है और सियासी पार्टियां हैं, तमाम हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात को मनवा के रहेंगे।